ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिक्योरिटी ऑडिटिंग पे होगा। हमने ना लास्ट टाइम बल्कि लास्ट टाइम क्या, जब हमारी पहली क्लास थी ना, उसके अंदर जो हमने पांच पिलर्स ऑफ द सिक्योरिटी पढ़े थे ना, जिसमें से तीन मेन पिलर्स थे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। उसके अलावा कोई दो चीज़ें और थी, उनमें से एक हनान बता दो और एक बिलाल आप बता दो। एक एक बताना, दो नहीं। हनान, दो चीजें और कौन कौन सी थी? हाँ आपकी आवाज ही नहीं आई है अभी जो कर हनान, तो अपनी वीडियो तो पहले ऑफ कर दे, रहे फिर हो। बता। वीडियो ऑफ रमोई कर सर की देना। आवाज ही नहीं। ओ भाई, वीडियो तो ऑफ कर देना, बैंड सारी तो वीडियो में ले जाएगा भाई। कौन सी वीडियो? तेरा कैमरा ऑन है। ठीक एक मिनट मैं देखता हूँ। अब आवाज आ रही है सही? हाँ, वो असल में तुम्हारा ना कैमरा ऑन हुआ हुआ था, तो कैमरा भी तो जा रहा है, वो वीडियो ले रहा होता है ना, जो जो डाटा ले रहा होता है, जो भेज रहा होता है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि यार तुम्हारी जो बेसिकली हमने कहा था कि हमने ना पांच चीजें पढ़ी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी थी, तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी सिक्योरिटी की ना। उसके अलावा मैंने दो और आपसे डिस्कस की थी, उनमें से एक बता दो। ऑथेंटिसिटी शायद है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। एक अथेंटिसिटी थी, दूसरी मैंने किसी और से पूछनी है, चलो काफी है। अच्छा, तो अब चूंकि बाकी लोग अभी डिस्कनेक्टेड हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं देखता हूँ। एक मिनट, अभी हम जरा यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, मैं जरा देख लूँ कि बाकी लोगों को क्या इशू आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो मुझे कह रही है कि हम लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हालांकि मेरी और आपकी रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है। आपको आवाज़ सही आ रही है मेरी हनान? यस सर, सही और आ रही है। यस स्क्रीन भी सही नजर आ रही है? सर, ये लेक्चर 15 सिक्योरिटी ऑडिटिंग वाली आ रही है। ठीक है। क्योंकि आज हमने देखना है सिक्योरिटी ऑडिटिंग को। सिक्योरिटी ऑडिटिंग क्या होती है कि बेसिकली जो हमारी पांचवी चीज थी ना, मतलब पहली तीन थी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, चौथी थी ऑथेंटिकेशन और आखिरी थी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब ये है कि यार आप जो जो एक्टिविटीज अपने सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हो, उसका कहीं भी ट्रेस बन रहा हो, और ट्रेस करने के बाद उसकी बेस पे किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी मैनेज की जा सके कि अगर कोई एक्शन, कोई थ्रेट, कोई इस तरह का इवेंट होता है जिसकी वजह से सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, तो हम उस इशू को ट्रेस आउट कर सकें और उस सिस्टम को ऑडिट कर सकें और देख सकें कि इसके अंदर कोई मिलीशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है कि नहीं हुई ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारे का सारा इसके इसके अराउंड, सिक्योरिटी ऑडिटिंग के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। सिक्योरिटी ऑडिटिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन RFC 4949 जो है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, उसके मुताबिक जो है वो ये है कि एन इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम्स रिकॉर्ड एंड एक्टिविटीज टू डिटरमिन द एडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स, इंश्योर कंप्लायंस विद द एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड डिटेक्ट ब्रीचेस इन द सिक्योरिटी सर्विसेज एंड ऑल्सो रिकमेंड एनी चेंज दैट आर इंडिकेटेड फॉर काउंटर मेजर्स। अब इसमें चार पांच चीजें आ गई, कौन कौन सी? नंबर एक, यार आप देखो कि जो उस सिस्टम के ऊपर दो जो एक्टिविटीज हुई है ना, उनका कोई रिकॉर्ड हो आपके पास, जिसको आप देख के आपको पता लग जाए कि अच्छा सिस्टम पे ये एक्शंस परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, नंबर वन। उसके बाद आप उसके थ्रू ये भी देख सको कि यार अगर हमने कोई इसके ऊपर सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया है, कोई इंक्रिप्शन लगाई है, कोई और इंटेग्रिटी के हवाले से, या कोई भी एक्शन आपने लिया हुआ है इस तरह का कि जिसकी वजह से आप चाह रहे हो कि यार ये सिस्टम सिक्योर रहे, तो क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं और वो कंट्रोल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये हो गया। ठीक है, नंबर थ्री था, मैं एक मिनट लेजर ऑन कर लूँ। नंबर थ्री था कि आपकी जो कंप्लाइंस है वो इंश्योर हो जाए, कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बैंकिंग सिस्टम है और उसके लिए कोई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है किसी स्टैंडर्ड की, फॉर एग्जाम्पल PCI DSS की रिक्वायरमेंट है आपके पास ना, कि बैंकिंग सिस्टम है, तो
तो आप ये देख सको, आपको पीसीआई डीएसएस का जब ऑडिट होगा तो आके चेक करेंगे, कहेंगे हमें दिखाओ कि आपने फलां 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 जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल किए कि किए, किए तो कैसे किए, तो आप उनको कोई ट्रेस रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो कि सर ये देखें यहाँ पे हमने ये जो एक्शन लिए हुए हैं इनके मुताबिक वो जो आपकी फलां फलां रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फुलफिल हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर आपके यहाँ कोई हैकिंग अटेम्प्ट होती है आपके सिस्टम के ऊपर, आप उसको भी डिटेक्ट कर सकोगे, यार ये देखो ये जो लॉगिन हुआ है ये तो हमारे पास एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये पता नहीं कोई हैकर था, उसने कोई अपना लॉगिन वगैरह बना के कोई एक्शन ले लिया, मतलब इस तरह की चीजें आपके सामने आ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद अगर आप कोई डिटेक्ट करते हो ब्रीच और उसका पहले से काउंटर मेयर आपके सिस्टम में नहीं लगा हुआ था, तो आप कोई ना कोई उसके अगेंस्ट काउंटर मेयर भी ले सको, या आप कोई चेंजेस रिकमेंड कर सको कि जी देखो हमने 2-3 अटैक डिटेक्ट किए हैं ट्रेसेस में से और वो इसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए अकर हो रहे थे, तो अगर हम ये वाला काउंटर मेयर अपने सिस्टम पे लगा दें तो इसकी मदद से हमारा मतलब ये वाला काम रुक जाएगा, जो हमारे यहाँ कोई बंदा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या हमें नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, इसको हम कवर कर लेंगे। तो ये बेसिकली ना सिक्योरिटी ऑडिट के 3, 4, 5 बड़े कम्प्रिहेंसिव से उन्होंने रिक्वायरमेंट्स या एक्शंस को जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं RFC 4949 में। उसके बाद इस काम को करने के लिए, ऑडिट को करने के लिए आपको ऑडिट ट्रेल चाहिए होता है। ऑडिट ट्रेल क्या होता है, एक 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 रिकॉर्ड होता है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइम वाइज ऑर्डर में, कि जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम के अंदर और अराउंड क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये तो उनकी डेफिनेशन सी आ गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑडिटिंग का आर्किटेक्चर क्या होता है। इसका आर्किटेक्चर जो है ना, ये इस बड़ी आसान सी तस्वीर में बयान हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना आपका एक, कहाँ से शुरू करें, ठहरें, ओके फाइन, यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका जो ये जो पूरा ये फिगर है, ये बेसिकली आपका एक सिक्योरिटी ऑडिट का एक मॉडल डिफाइन कर रही है। इसमें क्या होता है कि इवेंट डिस्क्रिमिनेटर होता है, ये क्या करता है कि ये अपने कंप्यूटर में होने वाले, आपके सिस्टम में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनको रिव्यू कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है, और जो जो उसके फिल्टर पे पूरा उतरते हैं, जो जो उसके फिल्टर पे पूरा उतरते हैं। आपकी वो स्क्रीन में शो, लाइक जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहा हनान, आपको शो हो रहा है? सर, हनान नहीं है अभी मीटिंग में। अब देखो मैंने स्क्रीन चेंज की है, दोबारा आगे जाके वापस आया हूँ। अब देखो एक मॉडल सा बना हुआ है, यस सर, अब हो रहा। अब हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी ओके ये सबसे पहला इसका बॉक्स जो है वो इवेंट डिस्क्रिमिनेटर का है, ठीक है। ऐसा ही है, सबसे पहला वाला बॉक्स जहाँ पे मेरा लेजर पॉइंटर है इवेंट यस डिस्क्रिमिनेटर सर का है। ओके फाइन, ठीक है। जी अच्छा, तो इवेंट डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है कि ये इसके पास आपके सिस्टम में सारे के सारे इवेंट सारे होते हैं, ठीक है, और इसके पास एक फिल्टर लगा होता है कि यार ये इवेंट या इस टाइप की जो एक्टिविटी है वो मेरे पास आए तो मैं कुछ एक्शन करूं, वो ना आए तो जाने दूं बाकी इवेंट्स को। तो जो भी उसके पास ऐसे इवेंट्स आते हैं जिसमें आपका सिक्योरिटी ऑडिट जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाह रहे होते हो, तो क्या करता है कि उसको वेरीफाई करता है। अगर तो कोई हैजर्ड्स का इवेंट हो तो वो एक अलार्म को, अलार्म का एक सिग्नल अलार्म प्रोसेसर को भेज देता है, ठीक है, और अलार्म प्रोसेसर उसके ऊपर कोई ना कोई आपको अलर्ट या इस तरह की कोई एक्शन ले लेता है जिसकी मदद से आपको पता चल जाता है कि मेरे सिस्टम में खास तरह का इवेंट अकर हुआ है। और साथ ही वो उस इवेंट को ऑडिट का एक मैसेज बनाकर, जिसके अंदर उस इवेंट के बारे में डिटेल होती है कि ये इवेंट कब अकर हुआ है, किस यूजर ने कर किया है, किस आईपी से इसका एक्शन हुआ है, मतलब इस तरह की डिटेल्स होती हैं, वो सारी की सारी एक ऑडिट मैसेज की फॉर्म में लेकर आता है और उस ऑडिट मैसेज को ऑडिट रिकॉर्डर के पास भेज देता है। ऑडिट रिकॉर्डर का काम क्या है कि इसके पास जितने भी इवेंट डिस्क्रिमिनेटर से जितने भी ऑडिट के मैसेजेस आते हैं उन सबको ये अपने पास सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड करता चला जाए। सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल को आप ये समझ लो कि एक डेटाबेस है जिसके अंदर जितने भी आपके ऑडिट के इवेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है कि जब आपका इवेंट एक तो सिक्योरिटी ऑडिट रिकॉर्डर के थ्रू ऑडिट ट्रेल के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर वो कोई ज्यादा खतरनाक इवेंट हो तो उसके ऊपर कोई अलार्म भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल होती है ये आपके उन सारे ऑडिट रिकॉर्ड का डंप होता है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि 3 तरह के डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो एक ऑडिट एनालाइजर का फंक्शन होता है।
वो क्या करता है कि वो सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल जो रिसेंट नए आए होते हैं उन सबको रीड आउट करता है, उनको एनालाइज करता है और देखता है कि यार इनके ऊपर कोई खतरा तो नहीं पैदा हो रहा सिस्टम के अंदर, इनकी जो जितने मेरे पास इवेंट्स आए हैं इसमें से क्या मुझे कोई मिलीशियस एक्टिविटी तो डिटेक्ट नहीं हो रही। अगर तो नहीं हो रही तो वेरी वेल, कुछ नहीं करता। अगर हो रही हो तो वो अलार्म जनरेट कर देता है और वो अलार्म जो है ऑटोमेटिकली फिर कोई एक्शन भी परफॉर्म करता है या कोई आपको मैसेज शो करता है या कोई अलर्ट शो करता है, जो भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई होती है उसके मुताबिक काम करता है। और साथ साथ वो ये करता है कि जब उसके पास इस ऑडिट की ट्रेल की बेस पे कोई मिलिशियस इवेंट डिटेक्ट होता है तो वो उस मिलिशियस इवेंट की एक ऑडिट मैसेज बनाकर वो ऑडिट रिकॉर्डर को भी भिजवा देता है, जो कि फिर उसको ऑडिट ट्रेल में सेव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कोई अनऑथराइज लॉग इन अटेम्प्ट नजर आई कि हमारे सिस्टम में किसी अनऑथराइज पर्सन ने लॉग इन किया है, वो जब इस ऑडिट एनालाइजर ने इस चीज को सर्च आउट किया और वहां से उसको पता चला कि यार मेरे सिस्टम में किसी गलत शख्स ने लॉग इन करने की कोशिश की है, तो वो एक रॉन्ग या मलिशियस लॉग इन डिटेक्टेड का एक ऑडिट मैसेज बनाएगा, वो इस ऑडिट रिकॉर्डर को भेज देगा, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे दो इवेंट आ जाएंगे, एक तो उस मलिशियस यूजर के लॉग इन के इवेंट्स होंगे, जिसने जिस जिस टाइम पे लॉग इन किया होगा वो एंट्री स्क्रीन, प्लस इस डिटेक्ट किया है कि यार ये यूजर तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक लॉग इन नहीं करना चाहिए, इस लॉग इन करके इसके अंदर एक मलिशियस एक्टिविटी हुई है, एक मैसेज उसका भी ऑडिट ट्रेल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये ऑडिट एनालाइजर का काम होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये इतना वाला हिस्सा हमने कवर कर लिया, ये वाला पीस इसका। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपके उसमें आ रहा है जो क्लियर ना हुई हो बात को, क्या बीच में ऑन एंड ऑफ डिस्कनेक्ट होती रही हो? नो सर, आगे समझ। ओके फाइन, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, जब ये वाला काम हो जाता है ना, उसके बाद ये जो सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल होती है, ये ऑडिट इन केस ऑफ लाइक अगर आपका ऑडिट स्टार्ट हो गया, ठीक है, अगर मतलब ये तो था ना कि ये आपकी डिटेक्शन हो रही है और एनालिसिस हो रही है, उसके बाद आपका साल में अगर सपोज 2 बार ऑडिट होता है, बस की रिक्वायरमेंट होती है ना, PCI DSS जो है उसकी रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, या कुछ और फाइनेंशियल कंपनीज जो है उनकी ईयरली ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है कि हर साल में आपका ऑडिट होना चाहिए, तो जब वो ऑडिट अगर होता है तो ये जो सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल होती है वो उस ऑडिट एग्जामिनर को प्रोवाइड की जाती है। ये जो सिक्योरिटी की ऑडिट की ट्रेल होती है वो उनको एक बार फिर रिव्यू करता है और उसके बेस पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट या सिक्योरिटी रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है। और जब ये वाले काम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो ऑडिट होता है उसकी जो एंट्रीज होती हैं उनको ऑडिट आर्काइवर को देते हैं और वो इन एंट्रीज को आर्काइव कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर हमारा सिस्टम है वो 4 साल से चल रहा है, तो पहले साल इसके अंदर 1 लाख एंट्रीज आई थी ऑडिट ट्रेल के अंदर सपोज कर देते हैं, तो अब ये भी पड़ी हुई है, अगले साल 1 लाख और आ जाती है, उससे अगले साल फॉर 1,50,000 आ जाती है, इसका तो साइज बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा है। अब जब ऑडिट एनालाइजर को इस पे काम करना होगा तो वो तो बड़ा स्लो हो जाएगा जब जो जो इसकी एंट्रीज बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कि ऑडिट वाला काम, ट्रेस वाला काम तो रीसेंट डाटा पे होता है, ये नहीं होगा कि मैं 4 साल पहले वाले डाटा को चेक करूँ कि 4 साल पहले कोई मिलिशियस लॉगिन तो नहीं हुआ था या कोई इस तरह की चीज, और अगर हुआ भी था तो वो उस पर डिटेक्ट हो चुका होगा ना, उसके ऊपर एक्शन हो चुका होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस डेटाबेस को, जो ये वाली सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल वाला एरिया है, इसको हम रिसेंट फॉर्म में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस साल का या पिछले 12 मंथ्स का या पिछले 6 मंथ्स का डेटा इस पे रखते हैं, और बाकी का जो उससे पुराना डेटा होता है उसको ऑडिट आर्काइवर के आर्काइव में भिजवा देते हैं। यहाँ पे वो डंप होकर पड़ा रहता है। इसका मकसद क्या होता है कि यार जो रिसेंट डेटा है उसको तुम यहाँ पे देख लें, और अगर कभी कोई पुराने डेटा के ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करना हो, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो उस सूरत में हम उसको आर्काइवर से निकाल लें और वहां से उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर लें। इस वाली डेटा बेस को हम करंट रखें ताकि इसका साइज भी ऑप्टिमल रहे और इसके ऊपर काम भी आसानी से हो सके, ठीक है। और कई बार ये होता है कि अगर ऑडिट एग्जामिनर या ऑडिट जो कर रहा होता है पर्सन, वो अगर कोई आपके अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी देखता है तो उसकी बेस पे पिछले साल की रिपोर्ट मांग लेता है, पिछले साल के डाटा मांग लेता है कि यार मुझे बताओ ये जो इवेंट मैंने अभी डिटेक्ट किया है यहाँ पे, पिछले साल भी इस तरह के इवेंट हुए थे कि नहीं हुए थे, या उससे पिछले साल भी इस तरह के इवेंट हुए थे कि नहीं हुए थे। ऐसी सूरत में फिर आप ऑडिट ट्रेल एग्जामिनर को एक्सेस देते हो ऑडिट आर्काइवर के थ्रू आर्काइव डाटा की, और वो आर्काइव डाटा से फिर जो होता है वहां से उस पुराने वाले डाटा के ऊपर जो इवेंट्स उसने चेक करने होते हैं वो चेक कर देता है। तो इस तरह से ये जो है ना सारे का सारा ये सिक्योरिटी ऑडिट एंड मॉडल जो है वो काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद एक और चीज होती है कि ऑडिट डिस्पैचर और ऑडिट कलेक्टर। अब इसमें क्या होता है, अगर अपना एक तो होता है कि आपके अपना सिस्टम है, जिस तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम है इसमें भी ऑडिटिंग हो रही होगी, इसी तरह हनान का सिस्टम है, किसी और का सिस्टम है तो उसमें ऑडिटिंग हो रही होती है, ठीक है। फिर ऐसा भी होता है कि यार
आपके ना जो इंटरप्राइज लेवल के सिस्टम होते हैं जिसमें मल्टीपल सिस्टम, क्लाइंट सर्वर, कुछ थाउजेंड ऑफ कनेक्शंस बन रहे होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स लगे, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है। अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ हमारे ऑफिशियल नेटवर्क के ऊपर हो सकते हैं 500+ सिस्टम्स हों, हो सकते इससे भी ज़्यादा होंगे अगर हम लैब्स वाले मिला लेंगे, क्योंकि कई लैब्स में तो 50-50, 80-80 सिस्टम लगे हुए होते हैं कंप्यूटर लैब्स वगैरह में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे शायद मे बी 500 से भी ज़्यादा हो जा रहे एम्प्लॉयज़ रहे उनके भी। सर हमारे हर फैकल्टी मेंबर के डेस्क पे कंप्यूटर लगा होता है, फिर उसके अपने कंप्यूटर भी कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से। इसी तरह हम लोग जब जाते हैं वो अपने लैपटॉप्स को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि एटलीस्ट हमारे वालों पे तो नहीं, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं, लाइक जो उनके ऑफिशियल लोग हैं, उनके ऊपर अब सेंट्रल सिस्टम में जो सर्वर और क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स बने होते हैं, वहां पर क्या होता है कि वहां पे ना एक साइट के ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल जो बन रहे होते हैं अपने अपने सिस्टम के ऊपर, तो उन सिस्टम के ऊपर ऑडिट डिस्पैचर कन्फिगर हुए होते हैं। ऑडिट डिस्पैचर का काम ये होता है कि वो हर सिस्टम पर जो सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल है जो वहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट करें और पीरियोडिकली जो है ना मेन सर्वर की तरफ भेज दें। अब ये वाला मेन सर्वर एरिया है, जिस तरह यहाँ पे ऑडिट डिस्पैचर काम कर रहा होता है, वहाँ पे ऑडिट ट्रेल कलेक्टर वाला एक छोटा सा क्लाइंट्स का काम, मतलब एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर कह लो, सर्वर कह लो, वो काम कर रहा होता है। कि जो ऑडिट डिस्पैचर होता है वो सर्वर के ऑडिट कलेक्टर से कम्युनिकेट करता है और अपना डाटा पीरियोडिकली उसको भिजवाना शुरू कर देता है ऑडिट का, और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर एक सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल का ना एक डेटाबेस बना रहा होता है। उसमें आपके पूरे नेटवर्क और पूरे उसके ऊपर जो डिवाइसेज है उनके ऊपर जितना जितना जो जो एक्टिविटीज हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से उनकी एंट्रीज जा रही होती हैं। तो बिलफर्ज अगर आपके नेटवर्क के ऊपर 100 कंप्यूटर्स हैं और बिलफर्ज 10 राउटर्स हैं और 2 फायरवॉल लगी हुई हैं और 3 प्रिंटर हैं, तो वो इन सब डिवाइसेस से वो ऑडिट ट्रेल मतलब जो है ऑडिट डिस्पैचर के थ्रू इस ऑडिट कलेक्टर के पास आएगी सर्वर के ऊपर, और ये उसको अपने सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल के मेन डेटाबेस में मतलब कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि अब आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई इवेंट देखना चाहते हो तो वो आप इस सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल को एक्सेस करोगे जो कि आपके मेन सर्वर के ऊपर भी है, और वहां से आप देख लोगे कि आपके कौन कौन से मलिशियस एक्टिविटीज आपके सिस्टम पे परफॉर्म हुई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यार हम नॉर्मली कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑडिट की, सिक्योरिटी ऑडिट की बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसके हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है डेटा जनरेशन। नजर आ रही है हमजा? जी सर, ओके फाइन। अच्छा, सबसे पहले होती है डेटा जनरेशन। तो डेटा जनरेशन जैसा कि हमने कहा कि ऑडिट का डेटा जनरेट होता है और उसके साथ फिर यूजर या कंप्यूटर आइडेंटिटी एसोसिएट होती है। अगर हम विद इन ए सिस्टम बात करें, विद इन ए कंप्यूटर बात करें, तो एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर लॉग इन हो सकते हैं, तो हर यूजर के हिसाब से उस कंप्यूटर के अंदर जो ट्रेल बन रही है वो उस यूजर लेवल की आइडेंटिफिकेशन के साथ बनेगी कि यार किस यूजर ने, जो यूजर नंबर 1 है उसने सिस्टम पे ये एक्शन परफॉर्म किए और यूजर नंबर 2 ने सिस्टम पे ये एक्शन परफॉर्म किए, तो यूजर वाइज वो अलग अलग सेपरेशन ऑफ वो लॉगिंग ट्रेल हो रही होती है या ऑडिट ट्रेल हो रही होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑडिट डाटा तो आपकी हर एक्टिविटी में जनरेट हो रहा होता है नॉर्मली। अच्छा, उसके बाद ये डाटा जो है ये भेज दिया जाता है किसी लाइक सेक्टर वाली साइट पे, तो वहां पे फिर वो सिस्टम्स वाइज हो रही होगी कि यार ये डाटा जो है ये सिस्टम नंबर 1 का है, ये डाटा सिस्टम नंबर 2 का है, ये डाटा सिस्टम नंबर 3 का है, और किसी एक सिस्टम के डाटा को खोलते हो तो उसके अंदर वो डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट यूजर्स की बेस के ऊपर वो जो है ना कैटेगराइज हुआ होगा। फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि इवेंट की बेस पे आप जो है ना ऑडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि यार मेरे इस पूरे सिस्टम पे या मेरे पूरे वो जो नेटवर्क है पूरे एंटरप्राइज लेवल का, उसके ऊपर कितने ज्यादा फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट आई हैं। तो अब ये फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट, यार आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और पासवर्ड गलत डाला, ठीक है, तो ये एक सिलेक्टिव इवेंट के ऊपर ऑडिट हो रहा है कि मैं यूजर लॉग इन फेल्ड या पासवर्ड मिसमैच या पासवर्ड नॉट करेक्ट वाला जो इवेंट होता है उस सिर्फ इवेंट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, सिर्फ उसके ऊपर कोई एक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो ये इवेंट सिलेक्शन बेस्ड ऑडिटिंग होगी कि मैं खास तरह के इवेंट को रिव्यू कर रहा हूँ, बाकी सब चीजों को मैं नहीं देख रहा। फिर उसके बाद स्टोरेज के हवाले से कुछ ऑडिट की एक्शंस होते हैं, वो क्या क्या होते हैं
नंबर वन तो ये कि आपने जो ऑडिट ट्रेल है उसको प्रोटेक्टेड स्टोरेज पे रखना है, ताकि कोई बंदा उसको चेंज ना कर सके और रीड ना कर सके। अगर मैं हैकर हूँ और मैंने आपके सिस्टम को एक्सेस किया है, तो मुझे पता होगा कि यार इस सिस्टम पे एक्सेस लॉगिंग भी हो रही होगी, मेरा ट्रेल भी बन रहा होगा, तो जो मैंने जो जो एक्शन परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे कहीं पे उनका रिकॉर्ड जा रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको उड़ाने की कोशिश करूंगा उस रिकॉर्ड को। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमें चाहिए कि हम अपने सिस्टम के अंदर जब ऑडिटिंग कन्फिगर करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसको इस तरह से करें कि वो प्रोटेक्टेड मोड में हो, और उसके बाद उसका डाटा जब हमें चाहिए हो तो उसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर हो रही हो, यानी कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंश्योर हो और उसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर हो और उसकी इंटेग्रिटी भी इंश्योर हो। ये ना हो कि बंदा उसको उसके अंदर चेंज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, मैंने आके कोई लॉग इन किया और कोई गलत एक्टिविटी परफॉर्म की, तो जाने से पहले मैं ऑडिट फाइल खोलकर उसमें से अपने वाले एरिया के जो एंट्रीज आ रही है उन सबको डिलीट ना कर दूं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से। किसके हवाले से? कि हमारा जो उसका जो ऑडिट का जो डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी और उसके हवाले से। फिर उसके बाद आपके पास ये भी होना चाहिए कि अगर आपका ऑडिट डेटा लॉस हो गया तो फिर आप क्या करेंगे ना, उसके लिए फिर ऑडिट के डेटा के बैकअप वगैरह ले लिए जाते हैं या कुछ तरह की एक्टिविटीज फिर प्लान कर दी जाती है, ठीक है। और साथ साथ कोशिश की जाती है कि आपका जो ऑडिट का डेटा है उसका लॉस ना हो सके। तो लॉस ना होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसका बैकअप ले लेते हैं पीरियोडिकली, ऐसे की और एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सारी पॉलिसीज लिखी है जो आपके आपने इंश्योर करनी है अगर आप किसी सिस्टम के अंदर ऑडिट के डेटा की जनरेशन को मतलब उस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो। फिर उसके बाद कई जगहों पे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कन्फिगर होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस की एक्टिविटी होती है, कोई वायरस डिटेक्ट होता है, तो आप इस सिस्टम का नेटवर्क कार्ड जो है फॉरन डिसेबल कर दो। नेटवर्क कार्ड डिसेबल करने की क्या वजह होती है? ताकि आपके सिस्टम में तो वायरस आ भी गया, डिटेक्ट भी हो गया। अब ये ना हो कि अगर आपका नेटवर्क कार्ड चल रहा हो तो आप नेटवर्क पे हैं तो आप पता चले कि बाकी जो नेटवर्क भी कंप्यूटर है उन तक भी उस वायरस या वॉर्म को पहुंचाने में मददगार साबित हो जाए। क्योंकि जाहिर है वायरस के अंदर तो इस तरह की कोडिंग हुई होगी है वॉर्म के अंदर कि उसने अब आगे भी फैलना है और बाकी सिस्टम को भी इन्फेक्ट करना है। तो ये जो एक चीज लिखी हुई है कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये कई बार आप ये कंफिगर कर सकते हो कि जब भी आपके सिस्टम पे वायरस डिटेक्शन की इवेंट अगर हो तो आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है और आपका नेटवर्क कार्ड डिसेबल कर दे, ताकि आप नेटवर्क से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और वो जो आप वायरस है उसको बाकी नेटवर्क के कंप्यूटर पर फैलाने का सबब ना बन सको। इसी तरह फिर ऑडिट का एनालिसिस है। एनालिसिस में क्या होता है कि आपके पास जो ऑडिट ट्रेल वगैरह इकट्ठा हो गया उसको वो अपने एनालाइज करना है और देखना है कि यार कोई वॉयलेशन तो नहीं हुई इस दौरान में, जो डाटा शाटा मेरे पास आया ऑडिट का उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। अब ये जो गड़बड़ एनालिसिस होता है या वॉयलेशन एनालिसिस होता है, ये सिंपल अटैक ह्यूरिस्टिक का भी आ सकता है कि यार आपके पास तरीके लिखे हुए हैं कि यार अगर ये एक्टिविटी हो तो ये फलाना अटैक होता है, अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई भी हो ऑडिट आ रहा हो उसके अंदर यार ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर फलाना अटैक किया गया। तो एक तो ये तरीका भी हो सकता है ह्यूरिस्टिक एनालिसिस में। दूसरा हो सकता है कम्प्लेक्स अटैक ह्यूरिस्टिक, जिसमें आपको बजाहिर देखने में वो अटैक लग नहीं रहा होगा, लेकिन आप केयरफुल एनालिसिस या पूरे नेटवर्क के ऊपर रहते हुए आप डेटा को कलेक्ट करोगे उस इवेंट के मुताबिक, तब आपको चलेगा कि यार ये तो कोई बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा और बड़ा हाई फाई मॉडर्न किस्म का जो है ना मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या मेरे ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के ऊपर। और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, प्रोफाइल बेस्ड एनोमली डिटेक्शन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो बड़े हाई फाई किस्म के सिस्टम्स होते हैं या डिफेंस वगैरह के, तो वहाँ पे यूजर की प्रोफाइल बनी हुई होती है कि फॉर एग्जाम्पल हमता जो है ना, इसने तो आज तक कभी भी अपना रॉन्ग लॉग इन नहीं किया, इसने हमेशा परफेक्टली लॉग इन किया है। और शजीरा जो है उसका ना हफ्ते में ना 3 या 4 लॉग इन अटेम्प्ट आती हैं कि वो फेल हो जाती हैं, कि वो पासवर्ड सही तरह नहीं लगा रही होती, तो उसकी हफ्ते में एवरेज 3 या 4 है। तो इसी तरह किसी और का कोई और होगा, मेरा प्रोफाइल में इवन इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं जो हाई सिक्योरिटी जोन होती हैं कि यार ये बंदा जो टाइप करता है तो ये ए की के साथ अगर उसने बी की दबानी हो तो उसमें ये इतने सेकंड लेता है, और बी से बी की के साथ एफ की दबानी हो तो वो इतने सेकंड लेता है, ठीक है। तो आपका ये बिहेवियर मॉनिटर होके आपकी ना एक टाइपिंग में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टाइपिंग प्रोफाइल बन रही होती है। तो अगर आप किसी के लिए टाइप करें और वो आप अपनी टाइपिंग प्रोफाइल के मुताबिक टाइप नहीं कर रहे, तो वो सिस्टम आपका अलर्ट जनरेट कर सकता है कि यार ये बंदा लॉग इन तो इसी यूजर नेम पासवर्ड से हुआ हुआ है, लेकिन जिस तरह से टाइपिंग कर रहा है डाटा की, तो ये वो बिहेवियर नहीं है ये बंदा हमेशा से जो है ना शो करवाता है कि ये ए के बाद बी जो है वो 1 सेकंड में दबा देता है। अगर ए के बाद बी पे वो 3 सेकंड लगा रहा हो तो इसका मतलब है यार कहीं और कोई बंदा ना बैठा हो जिसके पास उसका यूजर नेम और पासवर्ड आ गया हो। इसको कहते हैं बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस। उसके बाद ऑडिट रिव्यू को हमने देख लिया। अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्टेड और सिलेक्टेबल ऑडिट रिव्यू का फर्क ये होता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड होता है उसके अंदर ये होता है कि आप लिमिटेड सेट
डिस्क्लोज करवाते हो आगे, जो कि सिर्फ ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होता है, उसी के ऊपर ऑडिट का आप रिव्यू करवाते हो। ये नहीं कि बाकी कंपनी का या डाटा का जो हर एक एस्पेक्ट होता है वो भी आप खोल के रख दो। और सिलेक्टेबल ऑडिट रिव्यू में क्या होता है कि आप बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, लाइक अगर आपने पहले एक चीज़ चेक की और आपको पता चला कि यहाँ पे कोई शक पड़ रहा है कि यहाँ कोई इशू अगर हुआ है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसके बेस पे आगे और ऑडिट इवेंट मंगवाते हो, उनको रिव्यू करते हो, फिर वहां से अगर कोई आपको लीड मिलती है तो फिर आगे आप और उसके अलावा ऑडिट मंगवाते हो। तो इस तरह से आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली प्रोसीड करते हो। अच्छा, अभी हम मुझे इसने मैसेज दिया है तो 10 मिनट बल्कि 9 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो ये मीटिंग है ये वाली एग्जिट हो जाएगी। उसके बाद हम 5:41 हो रहे हैं ना, तो 5:50 पे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और 6 बजे फिर इसको शुरू करेंगे यहीं से कंटिन्यू, जहाँ से हमारी फ्लाइट रुकी हुई होगी। ठीक। अच्छा, अब ये जो इवेंट्स हैं जो हमने इतनी बातें की कि यार वो कोई इवेंट अगर होता है फिर उस पर कोई अलार्म जनरेट होता है, फिर उसका लॉग जनरेट होता है, फिर ऑडिट मैसेज होता है, वो ऑडिट के उसमें चला जाता है ट्रेल की डेटाबेस में। तो बेसिकली इवेंट क्या होता है? इवेंट जो है ना किसी भी तरह की एक्टिविटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपकी कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नया यूजर बनाया तो ये आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट में आ गई, और आपने कोई यूजर ऑलरेडी जो आपके सिस्टम में बना हुआ उसको डिलीट कर दिया तो ये डिलीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में आ गई। ठीक है। या उसको आपने कोई राइट्स वगैरह दिए उस यूजर को, जो आपने नया यूजर बनाया उसको कोई राइट्स वगैरह दिए, या आपने उसके सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स में कोई चेंज लाई कि पहले वो नॉर्मल यूजर था, आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया उस यूजर को। ठीक है। फिर इसके अलावा आपका कोई पॉलिसी चेक जो है, जो आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसके मुताबिक परफॉर्म हुआ, जैसे अगर आपके सिस्टम पर एंटीवायरस लगा हुआ है तो एंटीवायरस ने अगर कोई एंटीवायरस का स्कैन परफॉर्म किया वायरस का, वायरस डिटेक्शन का, तो उसका जो रिजल्ट आए वो आपकी एक वो एक्टिविटी हो सकती है जो कि इन्होंने परफॉर्म किया है इन वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से आपके वो एक्सेस राइट दिए गए हो जिनकी वजह से आपने कोई पॉलिसी बाईपास कर दी हो। फॉर एग्जांपल, जिसमें हम हमारा लिनक्स का सिस्टम है उसके अंदर जो रूट होता है ना उसको 100% एक्सेस होता है। आपने किसी डायरेक्टरी पे उसको एक्सेस दिया है, नहीं दिया, जो भी किया हुआ है, अगर आपने रूट से लॉगिन किया हो तो आप हर एक्सेस को बाईपास कर सकती हो। तो क्या ऐसा कोई एक्सेस बाईपास हुआ है कि किसी डायरेक्टरी पे किसी भी यूजर को एक्सेस नहीं दिया हुआ था सवाई एक के, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सिनेरियो है, लेकिन आपके रूट यूजर ने उस डायरेक्टरी को एक्सेस किया है? तो ये भी एक इवेंट बनता है जिसकी एग्जांपल यहाँ पे आ सकती है, यूज ऑफ एक्सेस राइट टू बाईपास एंड पॉलिसी चेक। ठीक है। इसी तरह यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फंक्शन। तो ऑथेंटिकेशन का फंक्शन की जिसमें यूजर नेम पासवर्ड अपना कोई बंदा बता के या कोई और अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट हुई भी है तो वो चीजें लेकर एक बंदा अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता है सिस्टम पे कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं बिलाल हूँ, तो मेरा कैसे पता चलेगा मैं बिलाल हूँ, क्योंकि जो बंदा आ रहा है उसने अपना यूजर नेम बिलाल वाला दिया है और पासवर्ड भी बिलाल वाला दिया है, और अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी है उसको SMS भेजा गया तो उसने SMS भी सही वाला बता दिया है, इसका मतलब बिला लिया, तो इसको कहते हैं हमारी ऑथेंटिकेशन। उसे आइडेंटिफिकेशन होगी तो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा वाला यूजर है और उसके ऊपर फिर क्या राइट्स हैं और उसको कितना एक्सेस देना है। तो इन फंक्शन को जब यूज़ किया जाए तो उसकी ऑडिटिंग हो सकती है, उसका एक इवेंट हम जनरेट करके लॉग में भिजवा सकते हैं। तो इसी तरह करके सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म की गई हैं आपके ऑपरेटर्स की तरफ से या यूजर्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कोई बैकअप लिया है, कोई और तरह का काम किया है, तो वो उसका आप उसको आप एज इवेंट कंसीडर करके उसका रिकॉर्ड ऑडिट ट्रेल में भिजवा सकते हो। या अगर आपने कोई एक्सटर्नल डाटा से कोई डाटा कॉपी किया है USB ड्राइव में से अपने सिस्टम पे, या अपने सिस्टम में से कोई डाटा बाहर भिजवाया, कोई ईमेल किया है, या आपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में उनके पास बड़े सारे ट्रेड सीक्रेट होते हैं। तो कोई शक होता है कि हमारा कोई एम्प्लॉई, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोका कोला है, तो कोका कोला के पास एक उनका खास फार्मूला है जो उनका टेस्ट मुतयन करता है। तो अगर उनका कोई एम्प्लॉई जो है वो किसी से पैसे लेकर किसी दूसरी कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल कोई पेप्सी कोला, तो पेप्सी वाले ये कहते हैं कि यार ये कोका कोला बहुत मशहूर ड्रिंक है, तो यार हम इनका फार्मूला लेके अपने वाले टेस्ट को ऐसे डेवलप करते हैं ताकि लोग हमारे मशहूर की तरफ भी आएं। तो वो अगर किसी एम्प्लॉई को पैसे देकर वहाँ से उनका फार्मूला कॉपी करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो बंदा जब भी वो डाटा को कॉपी पेस्ट करेगा, मतलब वहाँ से रिमूवेबल ड्राइव पे लेके जाएगा, जाहिर है तो वो एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाएगा कि यार इस बंदे ने डाटा क्यों किसी USB ड्राइव के ऊपर कॉपी किया। आपको पता है जो अच्छे एनवायरमेंट होते हैं प्रोफेशनल किस्म के, वहाँ पे अभी ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है ये बैन हो गई हैं, और डिफेंस में तो वैसे सख्ती से बैन होती है कि वहाँ पे आप USB ड्राइव्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए कि यार यहाँ का सेंसिटिव डाटा होता है तो ये कोई बंदा USB ड्राइव पे कॉपी करके ले ना जाए और फिर आके उसको मार्केट में सेल आउट कर दे, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो
इस तरह के कुछ मामलात होते हैं, ये सारे वो इवेंट हैं जिनमें से एज पर रिक्वायरमेंट, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो कि उनमें से किस किस के ऊपर ये वाला इवेंट एक्टिवेट करवाना है और उसका ऑडिट ट्रेल जनरेट करवाना है या नहीं करवाना, तो ये एज पर योर रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सारी जो बातें लिखी हुई थी ये सारी वो बातें थी जिनके ऊपर ये वाला काम हो सकता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने इनमें से कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये जो इवेंट है ना इसके ऊपर मैं अपना ये वाला काम करवाऊंगा कि मैं इसके अगेंस्ट ऑडिट ट्रेल जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप उस इवेंट को डिटेक्ट करवाना है कि आपने इवेंट तो सेलेक्ट कर लिया कि यार ये तीन इवेंट है इसके ऊपर मैंने अपना एक्टिविटी करवानी ऑडिट ट्रेल जनरेशन की, अब वो इवेंट अब कैसे चलेगा कि यार सिस्टम में ये इवेंट हुआ है, तो उसके लिए कुछ ना हुक्स डिफाइन की जाती है। हुक्स क्या होती है, बेसिकली हुक जिस तरह हमारी एक एक हार्डवेयर वाली हुक होती है कि जिसके अंदर आपकी हुक के थ्रू आप किसी जगह पे, मतलब जिस तरह आपने किसी दीवार पे चढ़ना है तो वहाँ पे एक होती है, अगर आपको इंग्लिश मूवीज देखें तो वो एक हुक की फॉर्म में एक कमंद उसको कहते हैं वो बनी हुई होती है, उसके आगे हुक लगी हुई होती है, वो दीवार पे फेंकते हैं वो जाके दीवार में फंस जाती है और फिर उसकी मदद से आप रोप लगी होती है जिसकी मदद से आप उस दीवार को एक्सेस कर लेते हो। सेम इज द वे विद हुक फंक्शंस होते हैं, इनका नाम उन्होंने हुक किया हुआ है, वो करते ये कि आपके सिस्टम के मेन फंक्शन में जाके अपनी हुकिंग कर लेते हैं और जो ही वो फंक्शन एक्टिवेट होता है तो वो हुक जो है ना उसको पता चल जाता है कि यार ये वाला सिस्टम किस पर एक्टिवेट हुआ है और उसकी डिटेल वगैरह भी मिल जाती है इनको, तो वहाँ से वो लॉक, तो जो हुक का फंक्शन होता है ना ये अप्लाई कर दिया जाता है सिस्टम के फंक्शन के ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि जब भी बोले सिस्टम के फंक्शन कॉल होते हैं, जैसे क्रिएट यूजर का एक सिस्टम का फंक्शन होगा ना कि जब भी आप यूजर एक नया क्रिएट करते हो तो पीछे से ये वाला फंक्शन कॉल होता होगा और वो आपके सिस्टम में एक नया यूजर बना के उसके इंटरेक्ट कर देता होगा, तो अगर आप उस सिस्टम फंक्शन के ऊपर अपना हुक लगा दें तो होगा ये कि जब भी वो फंक्शन कॉल होगा तो आपका हुक भी कॉल होगा, जब आपका हुक कॉल होगा तो आप उसमें से डेटा निकाल लेंगे कि अच्छा यूजर नेम जो नया बना है वो उसका नाम, मतलब क्या यूजर नेम था और वो किस टाइम पे बनाया, उसको किस यूजर ने बनाया जा रहा है, यूजर बनाएंगे तो कोई यूजर होगा तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर होगा, उससे आप कोई नया यूजर बना रहे होगे ना, तो इस तरह से ना जो भी उस इवेंट के बारे में नया यूजर बनाने के बारे में इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हुक की वजह से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। इसी तरह फिर मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके ऐड कर दिए जाते हैं सिस्टम के अंदर और वो ये वाला काम परफॉर्म कर रहे होते हैं कि वो आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो भी मॉनिटर में इसकी एक्टिविटी परफॉर्म होती है जिसके ऊपर आपने ऑडिट ट्रेल एक्टिव की हुई है उसका डाटा वो जो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो निकाल कर आपके ऑडिट के डेटाबेस को ट्रेल को भिजवा देते हैं। इसी तरह आपका इस अब इन कामों के लिए आपको एक इवेंट रिकॉर्डिंग फंक्शन चाहिए होता है फिर इस तरह के मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या करता है कि वो अगर इसके एग्जांपल भी एक छोटी सी देखेंगे तो वो ये काम कर रहा होता है कि जब भी वो इवेंट कॉल होता है तो उसकी जगह बेसिकली होता है कि जब भी आप इवेंट डिटेक्शन या इवेंट रिकॉर्डिंग फंक्शन बनाते हैं तो उसका नाम सेम रख देते हैं वैसा ही जिस तरह के ओरिजिनल फंक्शन का नाम होता है, जब ओरिजिनल फंक्शन को कॉल किया जाता है तो चूंकि दोनों के नाम सेम होते हैं उसकी जगह आपका रिकॉर्डिंग फंक्शन कॉल हो जाता है, रिकॉर्डिंग फंक्शन उस टाइम स्टैम्प की एंट्री और किस यूजर ने कॉल किया उस तरह की सारी डिटेल ऑडिट ट्रेल में टाइट करता है और उसके बाद ओरिजिनल फंक्शन कॉल करवा देता है। इसी तरह से है कि जैसे मैं हमदा को कॉल करूँ तो शजीरा ने हुक लगाई हुई हो कि जब भी हमदा को कॉल जाएगी तो मैं उसकी जगह मैं खड़ी हो जाऊंगी और मैं जवाब दूंगी, तो मैं अब कहूंगा कि हमदा, तो हमदा के बजाय शजीरा को आवाज आएगी क्योंकि शजीरा ने हुक लगाया हुआ है, वो शजीरा उठ के जो है ना देखेगी कि किसने कॉल किया तो पता चलेगा कि सर फैसल ने कॉल की है और देन वो टाइम ऑफ द कॉल और ये इसके बारे में सारी डिटेल नोट करेगी और फिर हमदा को आवाज दे देगी कि हमदा जाओ तुम सर फैसल बुला रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि शजीरा ने अब मॉनिटरिंग फंक्शन का काम किया और उसने क्या किया कि उसने मतलब वो जो उस पर कॉल आई थी उसकी डिटेल रिकॉर्ड कर ली और डिटेल रिकॉर्ड करने के बाद फिर आगे कंट्रोल जो है हमदा को ट्रांसफर कर दिया, तो ये एक एग्जांपल हो सकती है हुक फंक्शन की। अब हमारा एक मिनट से कम रह गया तो अब हमारी ये क्लास का भी ये वाला सेशन खत्म होने वाला है, तो अभी 5:50 हो रहे हैं, 6 मैं आपसे दोबारा से नया लिंक शेयर कर दूंगा, तब तक अपने नेटवर्क के राउटर वगैरह को रीस्टार्ट कर लो ताकि अगर कोई इशू आ रहा है तो वो खत्म भी हो जाए, ठीक है, राउटर भी एक बार रीस्टार्ट कर लो। सर कितने बजे लिंक शेयर करेंगे? 6 ओके सर, 6 भी दोबारा क्लास।